कुछ तकरीबन 1500 स्टाफ नर्सेज जो है ट्रांसफर हो गया था, तो गायनी वार्ड को चलाने के लिए नर्सेज 6 ही बच रही थी। तो आप नर्सेज का ही बोलना था कि सर हमको चलाने के लिए 12 नर्सेज चाहिए और एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए ताकि हम लोग भी अच्छे से काम कर पाए। तो मैंने 6 नर्सेज उनके स्टाफ को अभी पोस्ट करने का बोला है दूसरे वार्डों से निकाल के। तो कम से कम जो है, क्योंकि माताओं और छोटे बच्चों का ये वार्ड है, उस वार्ड की पूरी सुविधाएँ बहाल हो जाएंगी। दूसरा, हमारे यहाँ पेमेंट्स का इशू था, जिसमें स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स जो एनएससीसीआई के लोग रहते हैं जो बाहर से करते हैं, उनके पेमेंट्स के इश्यूज थे, तो उसकी भी प्रोसेस रेक्टिफाई करी है। सामान्य प्रोसेस ये होती थी कि पहले ऑपरेशन कर देते थे डॉक्टर, उसके बाद उनको पैसों के लिए परेशान होना पड़ता था। तो मैंने ये कहा है कि आप अंदाज से, जैसे मान लो एक महीने में 50 सीजर होते हैं और एक सीजर की शासन से निर्धारित दर मान लो 2500 या 3000 रुपये, तो आप उसको जो है 50 × 3000 करते हुए राशि एडवांस में दे दीजिए। मान लो 2-4 सीजर कम होंगे तो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएंगे, तो ताकि किसी भी डॉक्टर को पैसों के लिए परेशान ना होना पड़े और उसको ऐसा लगे कि जो उसने काम किया है वो गरिमापूर्ण तरीके का अच्छा काम किया है, उसको पेमेंट टाइम पे मिल जाए। तो वही सारी छोटे छोटे इश्यूज थे, उनको सबको रेक्टिफाई किया है। और बाकी हाउसकीपिंग इश्यूज भी है, तो कल सुबह मैं भी जिला अस्पताल दफ्तर जाऊँगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे पब्लिक जो है परेशान हो रही है। तो अस्पताल की अब आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि हम लोग लगातार 5-7 दिन हॉस्पिटल जाएंगे और कोशिश करेंगे जनता को अच्छी अच्छी सुविधाएं उसमें दी। सर, कोई शिकायत भी है किसी को लेकर? नहीं, स्टाफ का ये था कि चूंकि 6 ही लोग हैं तो 6 लोग इतनी परफॉर्मेंस से काम नहीं कर पाते हैं, तो कई बार जनता की अपेक्षाएं जो है उसमें जनता को परेशान भी होती है। और निश्चित रूप से है कि जिस किसी व्यक्ति का मरीज जब अस्पताल में भर्ती होता है तो वो बड़ा मन से उसको लगता है कि भावना रूप से वो उसको लगता है कि मेरे मरीज कुछ फोन आ जाए, तो व्यक्ति कई बार गुस्सा भी हो जाता है। तो मैंने ये भी कहा है कि दोनों पक्षों को सहमित रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक पेशेंट के अटेंडेंस है उनकी संख्या भी सीमित करने की आवश्यकता है। जहाँ मैंने अटेंडेंस सिस्टम चालू किया था वो भी अभी देखने में आया कि इन लोगों ने इतना अच्छे से लागू नहीं किया गया। यदि एक पेशेंट के साथ में मात्र 1 या 2 लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से अस्पताल में जो है काम करने में लोगों को सुविधाएँ भी होगी, और अस्पताल में जो अटेंडेंस हैं उनको भी यदि विश्वास हो जाए कि अस्पताल व्यवस्था इतनी अच्छी है तो वहाँ तो 2 ही लोगों को काम पड़ता है, तो वो लोग भी 4 लोग लेकर नहीं आएंगे। तो दोनों ही पक्षों पर हमको काम करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जिला अस्पताल में काफ़ी सुधार की जरूरत है, और जो टीम से डिस्कशन हुआ है इसमें डॉक्टर रेहाना भी थी, डॉक्टर सकील खान भी थे, स्टाफ नर्सेज भी थे, इन लोगों ने कमिट किया है कि भविष्य में व्यवस्थाएं हम लोग और अच्छी करेंगे। कल मैं खुद भी वहाँ जा रहा हूँ और जो व्यवस्था मैंने बनाने को बोला है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। सर, एनेस्थेशिया की भी बहुत समस्या थी जिसके चलते खटवा भेजे जा रहे कुछ केस। देखिए, हमारे यहाँ जो एनेस्थेशिया पोस्ट हुए थे मिस्टर तिवारी, वो शायद कहीं बिना बताए अवकाश में चले गए हैं, तो मैंने उनकी पूरी फाइल भी मंगाई है कि वो रेगुलर है और वो उनका फ़ोन वोन नहीं लग रहा है, गायब है। तो हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमेश जी, नर्सेस की ड्यूटी की, तो वो शिकायत ले, मतलब वो बताने आए थे सर को, तो सर ने हमारी वो सॉल्व कर दी है। दीदी, समस्या बताइए क्या समस्या है? सिस्टर लोग नहीं थे हमारे पास, मतलब बहुत सारे सिस्टर के ट्रांसफ़र हो गए हैं अभी, तो वो चली गई, तो सिस्टरों की बहुत परेशानी हो रही थी वार्ड में काम करने के लिए, तो सर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बस यही थी। और सिविल सर्जन से भी कर सकते, कलेक्टर के पास आने की जरूरत है? नहीं, वो मतलब सर से मिलना था हम लोगों को, इसलिए आए थे। विधायक अभद्र व्यवहार आरोप लगा रही है सिस्टर। मैं उस समय ड्यूटी पे नहीं थी इसलिए मुझे तो कुछ मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। ओके, थैंक यू।